एवरी वन वेलकम टू फार्मा हेल्थ जोन टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के डिस्कशन से पहले हमें पता होना चाहिए वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड न्यूट्रेंट्स और वट इज़ फूड एंड वट इज़ न्यूट्रेंट्स फूड बेसिकली हम ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि एक कम्प्लीट फॉर्म होती है और इसको लिविंग बींग्स या इस्पेशली ह्यूमंस इंजेस्ट करते हैं खाते हैं फॉर न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल परपज़ के लिए जबकि न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे सेल को हमारी बॉडी के सेल को बाहर से रिक्वायर्ड होते हैं और ये हमारी खुराक का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं सो so दैट ये इम्पोट ये न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म कर सके वाइटल फंक्शंस और ये इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म में मींस के बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने में ये हेल्प आउट करते हैं न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं वाइटामस की फॉर्म में हो सकते हैं मिनरल्स की फॉर्म में हो सकते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वन बाय वन इन हम इन सब न्यूट्रिएंट्स की डिटेल देखेंगे जो कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का ज़रिया बनते हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ दी कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं हमें डेली लाइफ हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स है फुलफिल होती है फोर्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं इनका मोस्टली टेस्ट जो है वो शुगरी टेस्ट होता है मीठा टेस्ट होता है स्टार्चेस की फॉर्म में या डाइट्री फाइबर रेशे की फॉर्म में हमें फूड प्लांट फूड से मोस्ट प्रोमिनेंटली ऑप्टेन होते हैं और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू के पौधे सूरज की रोशनी की मदद से और पानी के साथ मिलके ग्लूकोज तैयार करते हैं और यही ग्लूकोज़ आगे फिर इंसानी पर्पस के लिए उन्हें एनर्जी प्रोवाइड ब्रेड पास्ता बीन्स आलू चावल की एनर्जी प्रोविजन की देखें तो अगर एक ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट का ले रहे हैं उससे हमें फ़ोर कैलोरीज ऑफ एनर्जी मैसर होती है सो प्राइमरी फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का यही है कि बॉडी को से प्रोवाइड करना नेक्स्ट इज़ दी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फूड में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं डाइट्री फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं टोटल शुगर्स के प्रेजेंट में फॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं या शुगर एल्कोहलिक के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं डाइट्री फाइबर्स की फॉर्म में किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं फ़्रेश फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में नट्स में सीड्स बीन्स एंड होल ग्रेन्स और टोटल शुगर को हम एडिड शुगर भी कहते हैं ये हमारी जो प्रोसेस्ड फूड होती हैं पिज्ज़ाज़ पास्ताज सैंडविचेस वगैरह बर्गर्स वगैरह और ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते है। नेक्स्ट है जी शुगरी एल्कोहल शुगरी एल्कोहल शुइंग गैम्स बेक गुड्स एंड स्वीट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं टोटल टोटल शुगर और एडिड शुगर जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट की जो कि हमारी फूड में प्रेजेंट होती है इसकी वजह से हार्ट की बहुत ज्यादा डिजीजेज़ और डेंटल कैविटीज़ होने के नुकसान हैं अगर हम केमिस्ट्री वाइज कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ शुगर मॉलिक्यूल्स तो ये तीन तरह की क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं मोनोसेक्राइड्स डायसेक्राइडस एंड पोलीसेक्राइड्स इन्हीं के बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं कम्पलेक्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल में हमारे पास मोनोसेक्राइड्स और डायसेक्राइड्स कैटेगरी आती है जबकि कॉम्प्लेक्स में पोलीसेक्राइड्स आती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऑप्टेन होते हैं वाइट ब्रेड से शुगर और कैंडीज़ वगैरह से जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑप्टेन होते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स बीन्स होल ग्रेन्स वगैरह से और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हैं क्योंकि इनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है मीन्स के ये शुगर का बायस बन सकती हैं जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये एज सच टाइप टू डायबिटीज़ कॉज कराने या हार्ट के डिजीज़ के लिए इतने बैड uh, नहीं होते कार्बोहाइड्रेट एज वी हैव डिस्कस्ड इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और स्पेशली जो डाइट्री फाइबर जिन फूड्स में होती है वो हमारी गुड हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेक्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं ये हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का एक अच्छा ज़रिया नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं मिस होते हैं और अगर हम बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और अगर हम चाहते हैं कि वेट गेन करें तो ऑब्वियसली हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से कम करना पड़ेगा मींस कि जितनी भी प्रोसेस्ड फूड हैं बर्गर्स पिज्ज़ा शावरमास वग़ैरह इसमें प्रोसेस्ड या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारी एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए अगर हम डाइट्री फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड कर देते हैं तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं हार्ट डिजीज़ टाइप टू डायबिटीज़ एंड ओवरवेट से बचा जा सकता है सो दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोटेंट डिस्कशन ऑन द न्यूट्रेंट दैट इज़ दी कार्बोहाइड्रेट जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर हम एहतियात से इस कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करें तो यही कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का ज़रिया बनती है वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जा रहे हैं तो यही न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं यही न्यूट्रिएंट हमें बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर सकती है सो वन शुड बी सेलेक्टिव इन चूजिंग द राइट यूज़ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफ़ टिल द नेक्स्ट वीडियो